गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कमलनाथ अकर्मण्य और अक्षम नेता हैं। दूसरे की तरफ उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस छोड़कर जो जाता है सबको बिकाऊ कह देते हैं। कमलनाथ बताएं और अभी कांग्रेस में कितने बिकाऊ नेता हैं। उन्होंने कहा एक और विधायक गया तो कमलनाथ 30 मारखा हो जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ से जब विधायक मिलने जाते थे तब उनको चलो चलो कह देते थे, अब विधायक चल पड़े हैं। कांग्रेस अब चुनाव जीतने के लिए नहीं नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता जानबूझकर कभी किसी को आइटम, कभी माल, कभी भूखा नंगा इसलिए कहते हैं ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। पैरों की धूल को लेकर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और कहां 15 महीने का मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। इसलिए कभी बोलते हैं अगली विधायक बैठक सीएम हाउस में होगी, कभी कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष वे चुनेंगे, लेकिन ये अब तय है कि कांग्रेस अब विपक्ष में रहेगी। इनके विधायक के चला चली की बेला में है। नरोत्तम ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता ईवीएम और अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं तो यह तय मानिए कि वे हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा को चुनाव प्रचार में भेजना चाहिए, ये लोग खाली बैठकर भ्रम फैला रहे हैं। नरोत्तम ने सभी प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। ये सब बातें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। पैरों की धूल हमारे मुख्यमंत्री को कहना, कमलनाथ जी की कहां 15 साल का मुख्यमंत्री, कहां 15 महीने का मुख्यमंत्री, उनको भूखा नंगा कहना, उनको नालायक कहना, किसी महिला को आइटम कहना एससी की को, या किसी को माल कहना, ये जानबूझ के रोज एक सबूफा इसलिए छोड़ते हैं कि मुद्दे से ध्यान हटा रहे। कमलनाथ जी कांग्रेस को भ्रम में रख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रख रहे हैं, नेताओं को भ्रम में रख रहे हैं कि हम वापस आने वाले हैं, और इसलिए इस तरह के बयान देते हैं कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, या अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी, या विधानसभा का अध्यक्ष तो हमको ही चुनना है। जो ये सारे के सारे बयान इस बात के द्योतक हैं कि अब ये कब तक भ्रम में रखेंगे। अब तो चला चली की बेला आ गई है। रोज एक आध विधायक कहीं ना कहीं से कभी निर्दलीय समर्थन देता है, कभी कांग्रेस का टूट के जाता है। विपक्ष में रहना कांग्रेस का तय हो गया है। उनका बयान अगर है तो इस बात के द्योतक है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। जब वो ये कहने लगे कि प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे भाजपा जीतेगी, जब वो ये कहने लगे कि ईवीएम की मशीन से नहीं बैलेट से वोट कराओ, जो वो सब पे अविश्वास व्यक्त करने लगे, तो मान लो कि वो लोग हार रहे हैं और हारने के लिए जवाब देने की पिच तैयार कर रहे हैं। दशहरे के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।